हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में फार्मा से रिलेटेड गवर्नमेंट वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मा से रिलेटेड वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मा से रिलेटेड कोई भी वैकेंसियों के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो फार्मा से रिलेटेड वैकेंसी निकली हुई है वो स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो यहाँ पर लाइफ साइंस में वैकेंसी रहने वाली है। ये ओपनिंग यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में है, वो है DRDO डिपार्टमेंट में, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी रहने वाली है। नंबर्स ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो 14 नंबर्स ऑफ वैकेंसी रहनी है यहाँ पर। फार्मा एंड लाइफ साइंस ओपनिंग एट DRDO, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में रहता है। यहाँ पर अगर पोस्ट की बात कर लें तो रिसर्च, जूनियर रिसर्च फेलो की ये पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो 5 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इनकी क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीजन के साथ में MSc आपके पास में होनी चाहिए इन बायोलॉजी, MSc आपके पास में जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी से अगर आपके पास में BSc है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड नेक्स्ट जो पोस्ट रहने वाली है वो जूनियर रिसर्च फेलो के लिए रहने वाली है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन MSc इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। यहाँ पर इन्होंने नेट भी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कंपलसरी किया गया है। तो बेसिकली ये हायर एजुकेशन के लिए वैकेंसी रहने वाली है जिन्होंने फार्मा में हायर एजुकेशन की है, मींस के जिन्होंने अपना मास्टरेट किया हुआ है फार्मेसी में, फार्माकोलॉजी में, और PhD की हुई है, नेट और गेट यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाइड कर रखे हैं, उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी रहने वाली है। सो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और जो एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए वो हमने आपको बता दिया है। जिन लोगों के पास में ये क्वालिफिकेशन है उनके पास में मास्टर डिग्री इन फार्माकोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग यहाँ पर ब्रांचेस जो दी गई हैं उनमें अगर उनके पास में डिग्री है तो वो उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद में अगर हम आगे अगर बात कर लें तो एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की हुई है, जो कि 35 साल तक की एज लिमिट की कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर मेंशन की हुई है जो कि है 10 दिसंबर 2021। उसके बाद में यहाँ पर सैलरी की बात कर लें तो सैलरी भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। इसके रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। इस पेज की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में लिंक पर क्लिक करके ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके रूल्स रेगुलेशन वहाँ से आप रीड कर लीजिएगा केयरफुली, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिंक पर क्लिक करके ये पेज ओपन कर लोगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे की तरफ आओगे तो लिखा है फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करोगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। हम देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये किस तरीके से अप्लाई करना होगा उन लोगों को। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, प्रिंट आउट निकालना होगा और वो अच्छे से फुलफिल करना होगा, और उसके साथ में जितने भी आपके पास में रिलीवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेपलर करने होंगे, अटेस्ट करने होंगे। और वो क्या करना होगा, अब वो करने के बाद में आपको सेल्फ अटेस्ट करने होंगे, वो सेल्फ अटेस्ट करने के बाद में आपको वो PDF में कन्वर्ट करने होंगे। देन के हार्ड कॉपी को अब आपको सॉफ्ट कॉपी PDF में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद में उस PDF को दिए हुए दोनों मेल एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है, अपने जीमेल से आप दोनों दिए हुए जीमेल एड्रेस जो है यहाँ पर उन पर आपको सेंड कर देना है। देन अगर वहाँ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा तो बाय कॉल आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा और देन आगे का प्रोसीड आप कर सकते हैं। देख लेते हैं हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। तो फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका नोटिफिकेशन ये डाउनलोड हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होते ही जैसे ही इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर देखो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है जो कि 1.8 MB का है। ये डाउनलोड होते ही आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। नोटिफिकेशन को आप केयरफुली रीड कीजिएगा। अगर आपके पास में ये एलिजिबिलिटी है तो आप नोटिफिकेशन को यहाँ पर केयरफुली रीड करने के बाद ही इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कीजिएगा।
तो नोटिफिकेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और मे बी वो पॉजिटिव पॉइंट रहता है आपका किसी भी वैकेंसी के लिए, नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रॉपर जब नोटिफिकेशन रहता है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन को देखें तो ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है, एज दी हुई है, डेट ऑफ इंटरव्यू दी हुई है यहाँ पर। तो मे बी ये रिटन एग्ज़ाम के थ्रू आपको नहीं अपॉइंट करेंगे, और ये जूनियर रिसर्च फेलो की जितनी भी वैकेंसीज रहती हैं ये परमानेंट वैकेंसी नहीं होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वैकेंसी होती हैं। आपको अपॉइंट करते हैं आपके देन के आपके वर्क पर डिपेंड रहता है, अगर वर्क आपका सूटेबल लगा उनको तो आपको कंटिन्यू कराते हैं ये, नहीं तो जितना आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जितने ईयर के लिए या जितने मंथ के लिए आपको अपॉइंट किया है उतने मंथ आपको रखते हैं ये लोग। देन के यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप इसको अच्छे से केयरफुली रीड कर लीजिएगा, रीड करने के बाद ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ अगर आपको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके।